हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैक संख्या यानी मैक नंबर। जो भी मैक नंबर के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे हैं तो वो आज के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छे ढंग से वो मैक संख्या के बारे में समझा सकते हैं। हाँ, तब जब पूरी वीडियो को अच्छे से देख लें। चलिए तो मैक संख्या को समझते हैं। देखिए, मैक नंबर का फॉर्मूला तो वही 1/4 / 2 एक यहाँ देख रहे हैं 1 1 1 एक 5। तो सबसे पहले हम समझेंगे 1 कैसे आएगा, ये 1 कैसे आएगा। तो देखिए, 1 से माने 1 क्या, 1 से छोटा कब हो रहा है, बराबर कब हो रहा है, बड़ा कब हो रहा है, क्या मैक संख्या। तो देखिए y1 की चाल ध्वनि की चाल समझना है। यहीं पर जब y1 की चाल ध्वनि 1 से कम कब होगा, ये मैक नंबर 1 से कम कब होगा, जब ये कम हो जाएगा, माने इससे भी कम, ध्वनि की चाल से कम, माने y1 इस स्पीड से चल रहा है कि ध्वनि वो उत्पन्न नहीं करता है, तो मैक संख्या 1 से कम होता है। उस प्रकार के वायुवान क्या विमान क्या बोलते हैं, अध्वनि, यानी ध्वनि नहीं उत्पन्न करेगा, 1 से कम होगा, इससे ध्वनि से भी कम, यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो वो नाम होगा ध्वनि। जब देखिए इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ध्वनि की जैसा है, जितना ध्वनि उत्पन्न होगा उतना ही ये विमान की चाल, तो ये क्या हो जाएगा, ध्वनिक विमान। जब ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा तब मैक नंबर 1 से ज़्यादा आएगा, तो ये ज़्यादा होगा किस ध्वनि से, यानी ध्वनि से भी ज़्यादा, तो परा मतलब धाना, पराध्वनिक विमान, यानी ध्वनि से भी ज़्यादा क्या हो गया, उसका चाल हो गया, इसलिए ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न कर, तो ये प्राध्वनि। कब, जब मैक संख्या 1 से ज़्यादा होगा। और जब 5 से ज़्यादा माने बहुत ज़्यादा, वायुयान की चाल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा, तो इस प्रकार का जो होता है अति प्राध्वनिक, ये अपने पीछे बूम छोड़ता जाता है। क्या छोड़ता है, अपने पीछे बूम, तो प्रतिघाती ध्वनि होता है, ये जो अपने विनाशकारी होता है, या जो ऊँची ऊँची इमारतें उसको क्षति पहुँचाता है, कौन, अति प्राध्वनिक विमान। इसलिए जो अति प्राध्वनिक विमान होता है इसको अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, नहीं तो इसको निचले सतह उड़ाया जाएगा तो ये इतना तरंग छोड़ता है, इतना ऊंची इमारत जो होगा उसको नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अधिक ऊंचाई पर उड़ जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ होंगे, आध्वनिक विमान, ध्वनिक विमान, पराध्वनिक, अति पराध्वनिक। ठीक, एक चीज देखिए और कह रहा है, मैक संख्या से वायुयान की चाल, मैक संख्या से वायुयान के चाल का निर्धारण किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि मैक संख्या किसका निर्धारण किया, तो मैक संख्या से वायुवान का चाल का निर्धारण किया सकता है, लेकिन दूसरे अर्थ में आप समझ सकते हैं, मैक संख्या से आप विमान के बारे में बता सकते हैं, चाहे वायुवान के बारे में बता सकते हैं। सीधे देगा, मान लीजिए कि किसी विमान का मैक संख्या 1 से कम है, मैक संख्या कितना है, 1 से कम है, 4 ऑप्शन दे देगा कि वो विमान है आधुनिक, ध्वनिक, पराध्वनिक, अतिध्वनिक। आप इजी से बता दीजिएगा, 1 से कम है आधुनिक हो जाएगा। ठीक, तो किसी प्रकार का क्वेश्चन करेगा आप, यदि अच्छे से समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, मैक संख्या हो गया, मैक नंबर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।